डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमित महाराज आप सबों को आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिकल ट्रिप में वेलकम करते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हम मेहनत करते हैं तो आप लोग इसका फायदा उठाइए, क्योंकि हम फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं और कहीं भी कट नहीं करेंगे, होल बायोलॉजी आप लोगों को पढ़ाएंगे, है ना। तो अगर ये फ्री में प्रसाद बढ़ रहा है तो उसका लाभ उठाइए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज पार्ट 8 देखते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो पूरा प्लांट किंगडम को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, है ना, कौन कौन, क्रिप्टोगैम और फैनरोगैम। आइए प्लांट किंगडम जो है, प्लांट किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द वन एज क्रिप्टोगैम, अदर एज फैनरोगैम। आइए, क्रिप्टो वर्ड क्रिप्टन से बना हुआ है, क्लियर, क्रिप्टन। क्रिप्टन मीन्स होता क्या है, क्रिप्टो वर्ड क्रिप्टन से बना हुआ है। क्रिप्टन मीन्स होता है, अगर लिटरल मीनिंग इसका देखें तो टू हाइट मतलब। और गैम वर्ड जो है गैमस से बना हुआ है, गैमस वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है सीड। क्या होता है मतलब, सीड। तो हम कह सकते हैं ऑल ओवर जी इस क्रिप्टो गैम में सीड हाइट रहता है, कहने का मतलब सीड अब्सेंट रहता है, है ना। तो इस केस में क्रिप्टो गैम में जो है सो सीड क्या होता है, अब्सेंट रहता है, तो सीडलेस प्लांट हम इसको कह सकते हैं, सीडलेस प्लांट, क्लियर प्लांट्स। ये जो क्रिप्टो गैम है ये कैसा प्लांट्स है, तो सीडलेस प्लांट्स। आइए फैनरो गैम की बात करें तो इसको भी आप ब्रेक कर लीजिए, फैनरो वर्ड मतलब होता है बियरर, बियरर ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, बियरर। गैम तो अभी जस्ट बताए हैं, गैम वर्ड गैमस से बना हुआ है, गैमस, गैमस मीन्स होता ही है सीड, सीड। तो कहने का ये मतलब हुआ जो ये फैनरो गैम जो है सीड बियरर प्लांट होगा, तो आप इसको क्या बोलिएगा, इज सीड बियरर प्लांट। मतलब जितना भी फैनरोगैम होगा वो सब में सीड होगा, सीड मीन्स क्या, बीज, इस सारे में जो है सीड होगा, और क्रिप्टोगैम जो भी प्लांट होगा उसमें सीड नहीं होगा। आइए तो हम पहले क्रिप्टोगैम देखेंगे फिर जो है फैनरोगैम देखेंगे बारी बारी से। तो पहले क्रिप्टोगैम देखिए, अब हम लोग क्रिप्टोगैम देखते हैं, पहले क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम कंसिस्ट करता है किस किस को, तो इसके अंदर आता है थैलोफाइटा, कौन आता है, थैलोफाइटा। फिर कौन आता है, ब्रायोफाइटा। फिर कौन आता है, टेरिडोफाइटा। आइए तो इसका, इस तीनों का जो है कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखते हैं, पूरा डिटेल नहीं बता रहे हैं, केवल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बता रहे हैं। तो आइए कुछ कैरेक्टर से इसका देखते हैं, और हम आपको बता दें जिस कैरेक्टर को अभी हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, कई बार तो नीट में इसी से आ जाता है डायरेक्ट। तो आप देखिए जो कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या है इस तीनों का, तो सबसे जो पहला कैरेक्टर है, ऐसे भी आप कॉमन जानिए जो अगर आपसे, आप किसी से मिलते हैं या कोई आपसे मिलता है तो सबसे पहले क्या पूछता है, घर कहाँ, नाम पूछता है, तो इसका भी यही, सबसे जो पहला कैरेक्टर है
वो हैबिटेट है। क्या है? हैबिटेट। तो हैबिटेट, हैबिटेट मीन्स क्या होता है, ये कहाँ रहता है, कहाँ ग्रो करता है। तो ये जो है थैलोफाइटा, इसको आप बोलिएगा क्या, एक्वेटिक है। एक्वेटिक, एक्वेटिक वर्ड एक्वा से लिया गया है। एक्वा मीन्स होता ही है क्या, वाटर। तो ये पानी में रहेगा, है ना। और ब्रायोफाइटा जो है सो कैसा रहेगा, तो सायोफाइट है। अब मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो हम इसको भी एक्सप्लेन किए हुए हैं और इसको भी। सायो वर्ड मतलब ही होता है क्या, सेड लविंग। फाइट, फाइटा दोनों का मतलब होता है प्लांट। तो ये सेड लविंग प्लांट है बट टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल मीन्स क्या, जो लैंड पर ग्रो करे, लैंड पर ग्रो करे। ये सब हम अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिए हैं, आप प्रीवियस वीडियो देखिए। तो सायोफाइट, यह भी जो है टेरिडोफाइट भी क्या है, सायोफाइट है। सायोफाइट बट टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल है। आइए उसके बाद जो आप सेकेंड नंबर जो कैरेक्टर देखते हैं, जो नेचर, इसका नेचर क्या है, नेचर। आइए तो नेचर की बात करें तो ये मेनली एक्वेटिक होगा। ये हमेशा थैलोफाइटा पानी में ही पाया जाएगा, मेनली एक्वेटिक होता है, मेनली एक्वेटिक होता है। जबकि ये सायोफाइट मतलब ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो है ये कैसा होता है, तो एम्फीबियन होता है। कैसा होता है, एम्फीबियन। ये भी हम पिछला वीडियो में आपको बता दिए हैं। जो एम्फी मीन्स होता है बोथ, बियन वर्ड बायस से बना है, बायस मीन्स लिविंग, ऐसा लिविंग जो दोनों जगह पाया जाता हो, कहाँ कहाँ था, लैंड और वाटर दोनों में रहे। तो यह भी एम्फीबियन है, एम्फीबियन है, है ना। लेकिन एक बात है जो इसके और इसके दोनों में जो कॉमन है, क्या है, बट दे लिव ऑन लैंड। ये रहेगा तो पृथ्वी पर, है ना। दे लिव ऑन लैंड बट एक्सटर्नल वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए एक्सटर्नल वाटर चाहिए। कैसा वाटर, एक्सटर्नल वाटर। आइए हम बोले जो ये रहेगा तो लैंड पर, है ना, लेकिन एक्सटर्नल वाटर चाहिए इसके फर्टिलाइजेशन के लिए। आप कहिएगा ये हम समझे नहीं, तो सुनिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सपोज कीजिए जो यह एक प्लांट है, ब्रायोफाइट प्लांट है, है ना, ये लैंड पर है। तो मान लीजिए यह ब्रायोफाइटा प्लांट है, लैंड पर है, तो इसको एक्सटर्नल वाटर क्यों चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। तो मान लीजिए इसमें जो है, इसका जो मेल गैमिट होगा, इसका मेल गैमिट है ना, ये, और एक और भी हम दिखाते हैं आपको प्लांट। मान लीजिए ये दूसरा प्लांट है ब्रायोफाइटा, है ना। तो कोई एक को हम सपोज कीजिए इस प्लांट को का मेल गैमिट लिए, तो इस प्लांट को मेल प्लांट मान लिया, इसका क्या फीमेल प्लांट मान लेते हैं, इसको ट्रीट करते हैं, है ना, केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। तो सपोज कीजिए जो इस प्लांट का मेल गैमिट इसके पास जाना है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसका जो मेल गैमिट यहाँ जाएगा फ्लोट करके, तो कैसे जाएगा इस प्लांट के पास जाएगा कैसे, तो इसके लिए वे मतलब मीडियम चाहिए। तो मीडियम यहाँ क्या हो जाएगा, रेन वाटर या फ्लड, बाढ़ आएगा या अत्यधिक बारिश हो, हैवी रेनफॉल, तो पानी बहुत हो जाता है, तो प्लांट जो है कभी कभी जो है डूब भी जाता है पानी में, तो उसके थ्रू तैर करके इसका पोलन ग्रेन पहुंच जाता है इसके पास, और देन जो है फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप देख लीजिए जो एक्सटर्नल वाटर किस तरह चाहिए, है ना। अब आपको हम बता रहे हैं नेक्स्ट, इसका जो कैरेक्टर है, जो प्लांट बॉडी है ना, प्लांट बॉडी, थर्ड कैरेक्टर क्या है, प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी मतलब, तो अब देखिए प्लांट बॉडी, तो ये जो होगा थैलोफाइटा, नाम ही है थैलोफाइटा, मतलब क्या,
थैल इसका जो प्लांट बॉडी होगा वो थैलोइड होगा। थैलोइड का क्या मतलब हुआ, जो बेग लाइक, थैलोइड वर्ड थैलस से लिया गया है और थैलस मीन्स होता ही है बेग लाइक, कैसा बेग लाइक, थैले जैसा दिखता है ना। बेग लाइक मीन्स क्या, थैले जैसा, मान लीजिए इस तरह से दिखेगा है ना, इस तरह से बेग जैसा, एक्चुअली ये गुब्बारा जैसा दिखता है। आइए तो थैलोइड हो गया। अब इसका जो होगा ब्रायोफाइटा का, इसका भी दो तरह का बॉडी पाया जाएगा है ना, इसमें भी दो तरह का पाया जाता है। एक तो हो गया ए में थैलोइड हो जाएगा, थैलोइड कैसा हो जाएगा, थैलोइड, तो थैलोइड यहाँ बता दिए, इसी तरह का इसका भी हो सकता है। और दूसरा होगा क्या, जो बी में कैसा होगा, तो डिफ्रेंशिएटेड होगा, कैसा होगा, डिफ्रेंशिएटेड, डिफ्रेंशिएटेड बॉडी होगा, डिफ्रेंशिएटेड बॉडी होगा है ना, डिफ्रेंशिएटेड बॉडी होगा। तो डिफ्रेंशिएटेड कैसे होगा, सो देखिए ये डिफरेंस, या तो इसका थैलोइड हो सकता है या डिफ्रेंशिएटेड। तो हम उम्मीद करते हैं आप पहले लिख लीजिए है ना, ये थैलोइड है या डिफ्रेंशिएटेड है, चूँकि अभी डायग्राम बनाएंगे डिफ्रेंशिएटेड का, तो यहाँ चूँकि जगह नहीं है तो हम इसको इरेज कर रहे हैं और इसमें हम डायग्राम बना रहे हैं। आइए देखिए डियर स्टूडेंट, इधर मान लीजिए ये हम सपोज कर लीजिए ये ब्रायोफाइट का फिगर बनाए है ना, तो इसका जो ये लीफ है ना, ट्रू लीफ नहीं रहता है, लीफ लाइक रहता है, कैसा रहता है, ये लीफ लाइक है, लीफ लाइक है, ये लीफ नहीं है, लीफ लाइक है। पूछिएगा क्यों, तो चूंकि ये हैप्लोइड बॉडी है, क्लियर, तो ये जो लीफ लाइक है तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइलोइड, पी एच वाई डबल एल ओ आई डी, फाइलोइड बोलिएगा, लीफ लाइक कोई भी स्ट्रक्चर हो तो उसको फाइलोइड बोला जाता है। ये जो स्टेम है ना, ट्रू स्टेम नहीं है, स्टेम लाइक है, स्टेम लाइक है, कहिएगा क्यों, तो चूंकि यह भी बॉडी हैप्लोइड है ना, तो हैप्लोइड है तो इसको, इस स्टेम लाइक को क्या बोलिएगा बायोलॉजिकली, तो इसको कॉलोइड बोलिएगा, कॉलोइड, सी ए यू एल ओ आई डी, कॉलोइड है ना। ये जो रूट है ना, रूट नहीं है, एक्चुअली इधर जगह नहीं है तो हम इधर बता देते हैं, रूट नहीं है, रूट लाइक है, कैसा है, रूट लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक है, मतलब यह भी हैप्लोइड, इसको आप कहिएगा क्या, रूट लाइक को राइजोइड बोलिएगा, राइजोइड, क्लियर, राइजोइड बोलिएगा, आर एच आई जे ओ आई डी, क्लियर, राइजोइड बोलिएगा। तो आप देख लिए, कहने का मतलब ब्रायोफाइट जो भी प्लांट है ना, तो उसमें ट्रू लीफ है ना, ट्रू स्टेम है ना, ट्रू रूट है, मतलब इसका सारा बॉडी हैप्लोइड है, इसीलिए इसमें लीफ लाइक वर्ड यूज करते हैं तो बोलते हैं उसको बायोलॉजिकली क्या, फाइलोइड, स्टेम लाइक कॉलोइड, रूट लाइक राइजोइड। जबकि टेरिडोफाइटा में जो है सो क्या है, जो इसका जो, इसमें भी दोनों तरह का पाया जाता है बॉडी, थैलोइड भी पाया जाता है, जैसा कि आपको उसमें बताए थे थैलोइड बॉडी है। अच्छा दूसरा जो है इसमें डिफ्रेंशिएटेड इसमें पाया जाता है, इसमें भी डिफ्रेंशिएटेड है, डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पाया जाएगा। डिफ्रेंशिएटेड बॉडी का क्या मतलब, जो रूट स्टेम और लीफ सब हुआ रहेगा, तो ट्रू रूट, इस केस में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू क्या रहता है, लीफ रहता है, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं और आपको हम यहाँ डायग्राम दिखाते हैं इसका भी। देखिए इसका जो ये लीफ रहता है, ये ट्रू लीफ रहता है, इसको हम लोग लीफ बोलेंगे, लीफ लाइक वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्यों, चूंकि ये डिप्लोइड बॉडी होता है ना। ये जो स्टेम है, यह स्टेम को स्टेम लाइक नहीं बोलेंगे, स्टेम बोलेंगे, क्यों, चूंकि यह भी डिप्लोइड है। यह जो रूट है, ये रूट लाइक नहीं बोलेंगे, रूट बोलेंगे, ट्रू रूट है
कहिएगा सर देखने में तो दोनों एक जैसा लगता है, तो ये हम ना आपको रफ बता रहे हैं, जब इसको डिटेल पढ़ाएंगे तब इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो केवल आपको जस्ट एक आइडिया दे रहे हैं, जो आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया होगा, जो ब्रायोफाइट्स जो भी प्लांट होता है उसमें ना तो ट्रू रूट होता है, ना ट्रू स्टेम होता है, ना ट्रू लीफ होता है, जबकि टेरिडोफाइट में ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू जो है रूट होता है, क्लियर। अब ये नेक्स्ट कैरेक्टर जो है इसका वो है फोर्थ नंबर में वास्कुलर टिशू, है ना, वास्कुलर टिशू। तो आइए ये जो है, अब आपको हम नेक्स्ट कैरेक्टर फोर नंबर में बताने जा रहे हैं, जो वास्कुलर टिशू, शॉर्ट में इसको वीटी बोलेंगे, फुल फॉर्म इसका जो है हम लिख देते हैं यहाँ, वास्कुलर टिशू, वास्कुलर टिशू, इसका शुद्ध हिंदी संवहन ऊतक होता है, क्लियर। आइए कल का जो वीडियो था उसमें हम आपको बताए थे, जब परमानेंट टिशू जो है दो तरह का होता है, सिंपल परमानेंट टिशू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू को हम दो टाइप्स में डिवाइड किए थे, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम, ये जो दोनों है जाइलम और फ्लोएम, आर कलेक्टिवली नोन एज क्या, वास्कुलर टिशू, इसी को बोला जाता है एक साथ क्या, वास्कुलर टिशू। एक साथ कहने का मतलब ऐसा नहीं, जो जाइलम और फ्लोएम साथ होगा तभी हम इसको वास्कुलर टिशू बोलेंगे, जाइलम भी एक वास्कुलर टिशू है और फ्लोएम भी एक वास्कुलर टिशू है, है ना, जाइलम को भी आप वास्कुलर टिशू बोल सकते हैं और फ्लोएम को भी वास्कुलर टिशू बोल सकते हैं, क्लियर। तो आइए वास्कुलर टिशू, तो थैलोफाइटा में अब्सेंट रहता है, क्या रहता है, अब्सेंट, इसमें तो होता ही नहीं है, है ना, उसके बाद इसमें भी अब्सेंट रहता है, इसमें भी वास्कुलर टिश्यू अब्सेंट रहता है, बट में स्पेशल टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट हो सकता है, या तो अब्सेंट रहे या हो सकता है ये स्पेशल टाइप का कोई कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होगा, लेकिन आप इसमें ये नहीं कहिएगा ये ट्रू वास्कुलर टिश्यू होगा। अब आइए टेरिडोफाइट में क्या बोलते हैं, जो इसमें प्रेजेंट होगा, तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जे इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फर्स्ट वास्कुलर प्लांट, तो ऑप्शन में रहेगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो आप क्या बोलिएगा, हम उस क्वेश्चंस को यहाँ करा देते हैं, आप लोग देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, कई बार पूछे हुए हैं क्वेश्चंस है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए करा दे रहे हैं, क्या है, जो इन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज, नोन एज फर्स्ट वास्कुलर प्लांट। देखिए ये पूछे हुए है आपका AFMC में कब, 2004 में, है ना, इसी को जिपमर भी पूछे हुए है कब, 2007 में, क्लियर, इसी को BCC भी पूछे हुए हैं, क्लियर, BCC कब पूछे हुए, तो इसको 1997 में। आइए तो क्या बोले, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फर्स्ट वास्कुलर प्लांट, ऑप्शन नंबर वन है जो थैलोफाइटा, दूसरा नंबर में है ब्रायोफाइटा, थर्ड नंबर में आपका ब्रायोफाइटा, फोर्थ नंबर में मान लीजिए मोर देन वन, तो क्या बोलिएगा,
सबसे पहले तो वास्कुलर टिश्यू इसी में ना प्रेजेंट है, तो आपका क्या बोलिएगा, दिस इज राइट, है ना, टेरिडोफाइट्स आर क्या, फर्स्ट वास्कुलर प्लांट, क्लियर। तो आप देखें जो ये कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अब आइए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है, हम नहीं करा पाए थे लेकिन अभी आपको हम करा देते हैं, जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन होगा। अभी अभी जस्ट आपको हम पढ़ाए हैं, ये हम उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे। अब आइए हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब आइए एक और आपको वीवीआई क्वेश्चन करा देते हैं। एक क्वेश्चन है जो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। देखें अभी ऑप्शन नंबर वन में टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर सेकेंड ब्रायोफाइटा, थर्ड आपका थैलोफाइटा, फोर्थ एंजियोस्पर्म, है ना। तो कौन सा सही हो जाएगा? सबसे पहले आप देखे होंगे जब हम हैबिटेट बताए थे तो थैलोफाइटा का बताए थे जो एक्वेटिक है, लेकिन ब्रायोफाइट में हम बोले थे इस सायोफाइट बट टेरेस्ट्रियल, तो सबसे पहले तो ये ना टेरेस्ट्रियल प्लांट है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्लियर। अगर मान लीजिए ऑप्शन में टेरिडोफाइटा नहीं है, ऑप्शन में ब्रायोफाइटा नहीं है, टेरिडोफाइटा है, थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म है, इसके जगह अगर जिम्नोस्पर्म है तो फिर मजबूरी में हमको टिकआउट किसको करना पड़ेगा, टेरिडोफाइटा को। अब आइए ये क्वेश्चन देखिए कहाँ पूछे हुए, आपको एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स 93, है ना, मतलब 1993 में। इसको फिर से कौन पूछा उसके जस्ट बाद, तो इसको पूछा जिपमर, है ना, जिपमर पांडिचेरी का है, तो जिपमर पूछा था इसी को, फिर 1997 में पूछा था, इसी को बाद में चल करके KCET नाम का एग्ज़ाम है मेडिकल, ये पूछा था इसको 2003 में। आइए तो आप देख रहे हैं जो ये सब कितना इम्पोर्टेंट है ना, तो आपको हाँ इसको वेटनरी वाला जो होता है ना, वेटनरी यह भी पूछे हुए था, जिसका नाम है क्या, AIPVT, आपको हम लिख देते हैं AIPVT, है ना, इसको पूछा था AIPVT 2007 में, है ना, देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट कैरेक्टर आइए आपको हम बताते हैं, आइए नेक्स्ट कैरेक्टर अपना लोग देखते हैं, फोर्थ है अब, ये फाइव देखिए, पूछेगा जो इसका सेक्स ऑर्गन है ना, सेक्स ऑर्गन, तो ये थैलोफाइटा का सेक्स ऑर्गन जो होता है वो कैसा होता है, तो यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, क्या बोलिएगा, यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड, क्लियर। कहने का मतलब क्या, जो जैकेटेड का मतलब क्या, कवर्ड, तो नन मतलब क्या, या नन बोलिए या अनजैकेटेड, तो मतलब अनकवर्ड रहता है, जैसे कि ओपन रहता है, सिंगल, यूनि मीन्स क्या, सिंगल सेलुलर, मतलब सिंगल सेल का रहेगा, जैसे कि इस तरह का रहेगा, इस पर देखिए कोई कवरिंग नहीं है, नहीं ना है, तो थैलोफाइटा का सेक्स ऑर्गन ऐसे रहेगा, है ना। लेकिन ब्रायोफाइटा का सेक्स ऑर्गन जो होगा वो मल्टी सेलुलर रहेगा, कैसा रहेगा, मल्टी सेलुलर, है ना, एंड जैकेटेड रहेगा, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, तो ऐसा रहेगा, देखिए देखिए जैकेटेड है, कवर्ड है ना, एक से अधिक सेल है, हैंस इट इज मल्टी सेलुलर, ठीक इसी तरह इसका भी होगा, यह भी मल्टी सेलुलर होगा एंड जैकेटेड होगा, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, इसका भी सेम होगा जैसा यहाँ,
आइए तो नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो देखिए, तो एम्ब्रियो के बारे में बात करते हैं, तो थैलोफाइटा में एम्ब्रियो एब्सेंट होता है ना, कैसा होता है, एब्सेंट, बट व्हाई एम्ब्रियो इज एब्सेंट इन केस ऑफ थैलोफाइटा, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब आइए ब्रायोफाइटा के केस में एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा है ना, और टेरिडोफाइटा के केस में भी प्रेजेंट होगा, लेकिन एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, व्हाई एम्ब्रियो इज एब्सेंट इन केस ऑफ थैलोफाइटा, तो आपको ये याद होगा हम अपने प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि अगर जायगोटिक सेल में मियोसिस हो जाए तो क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो एब्सेंट हो जाएगा है ना, तो अगर आपसे कोई पूछे जो व्हाई एम्ब्रियो इज एब्सेंट इन केस ऑफ थैलोफाइटा, तो आप कहिएगा हैंस हैंस मियोसिस मियोसिस अकर्स इन मियोसिस अकर्स इन जायगोटिक सेल्स है ना, हैंस एम्ब्रियो कैन नॉट बी फॉर्म, इस कारण से एम्ब्रियो नहीं बनता है ना, ए सॉरी कराज एब्सेंट इन केस, तो यहाँ बिकॉज कर दीजिए, बिकॉज है ना, क्योंकि आखिर इसमें एम्ब्रियो इसलिए एब्सेंट हो गया क्योंकि मियोसिस हो जाता है जायगोटिक सेल में। अब आइए कुछ एग्जांपल्स ब्रायोफाइटा का देख लीजिए, जो मैन मैन है यहाँ, अब तो जगह नहीं है, नेक्स्ट बता देते हैं आपको, थैलोफाइटा को अभी आगे और एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए देखिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स, तो थैलोफाइटा का अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इसलिए यहाँ नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा के केस में देखिए जैसे कि रिक्सिया मार्केंसिया मार्केंसिया एंथोसेरस एंथोसेरस है ना, रिक्सिया मार्केंसिया एंथोसेरस फ्यूनेरिया फ्यूनेरिया, इसी फ्यूनेरिया को ग्रीन और कॉडमोस भी बोलते हैं, जब डिटेल पढ़ाएंगे तो बताएंगे भी। आइए तो शॉर्ट में आप याद कैसे रखिएगा सबका, अगला लेटर लिख लीजिए, ऐसा है जो केवल इतना ही नहीं है ब्रायोफाइटा का एग्जांपल, बहुत सारा है, लेकिन जो मेन मेन है वो केवल आपको हम बता दे रहे हैं, शॉर्ट में याद रखिएगा आर एम ए एफ है ना, रिक्सिया मार्केंसिया एंथोसेरस फ्यूनेरिया। अब आइए टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल देखिए, फर्न फर्न में आ जाता है आपका टेरिस टेरिस ड्रायोप्टेरिस, ये सब फर्न है ना, झाड़ी नुमा है, कांटेदार रहता है ना। दूसरा एग्जाम्पल है आपका सिलेजिनेल्ला, सिलेजिनेल्ला इज ऑल्सो नोन एज लक्ष्मण बूटी, क्लियर। और नेक्स्ट है लाइकोपोडियम लाइको लाइकोपोडियम है ना, सिलेजिनेल्ला है, फिर है फर्न है, सिलेजिनेल्ला है, लाइकोपोडियम है, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट आपका टेरिडोफाइट्स है, क्लियर। तो आप देख लिए जो मेन मेन एग्जांपल ब्रायोफाइटा का टेरिडोफाइटा का, अब आपको हम बताने जा रहे हैं जो इस थैलोफाइटा को भी हम क्लासिफाई करते हैं। आइए अब थैलोफाइटा को क्लासिफाई करते हैं, हालांकि हम डिटेल नहीं बता रहे हैं इसको भी, केवल थोड़ा सा बता रहे हैं आपको, जैसे कि एल्गी
एल्गे हैं, मतलब थैलोफाइटा क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, एल्गे, फंजाई, फंजाई, फिर लाइकेन, लाइकेन। देखिए कुछ जो मैन मैन इस लोग इसका कैरेक्टर है वो लिख देते हैं, है ना। देखिए तो सबसे पहला बात, जो एल्गी इज फोटोफिलिक, क्या बोलिएगा, फोटोफिलिक। और एक्चुअली फोटोफिलिक क्यों, चूँकि ये फोटोसिंथेसिस करता है तो लाइट तो चाहिए ही चाहिए। और तो उससे भी पहले एक कैरेक्टर लिखिए, इज क्लोरोफिलस, क्लोरोफिलस, क्लोरोफिलस मीन्स क्या, क्लोरोफिल प्रजेंट, क्लोरोफिल प्रजेंट होगा, है ना। और क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा ही करेगा, तो इसीलिए आप इसको बोलिए इज फोटोफिलिक, फोटोफिलिक, क्या बोलिएगा, फोटोफिलिक। तो देखिए फोटो मीन्स होता है लाइट, फिलिक मीन्स होता है टू लव या अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन फ्रॉम ऑफ लाइट, लाइट के प्रति इसका अट्रैक्शन होगा। तो और क्लोरोफिल प्रेजेंट तभी तो एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है। आइए जब ये क्लोरोफिलस है तो आप इसको फंजाई को क्या बोलिएगा, इज ए क्लोरोफिलस या ए क्लोरोफिलस है, ए क्लोरोफिलस है, है ना। मतलब इसमें क्लोरोफिल अब्सेंट रहेगा, इसमें क्लोरोफिल नाम का कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाएगा। अच्छा दूसरा पॉइंट, ये फोटोफिलिक है तो इसको बोलिएगा इज फोटोफिविक, फोटोफोविक, सॉरी फोटोफोविक, क्लियर। फोटो मीन्स लाइट, फोविक फोबिया से लिया गया, फोबिया मीन्स टू हेट, मतलब ये लाइट के एब्सेंस में ग्रो करना ज़्यादा पसंद करेगा। अब आइए तो इसका जो रिजर्व फूड हो जाएगा, एल्गी है तो इसका रिजर्व फूड क्या हो जाएगा, रिजर्व फूड जो है इसका क्या हो जाएगा, स्टार्च, क्या हो जाएगा, स्टार्च, है ना। कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, है ना, AIPMT में भी रिपीटेड है, AIPMT आपका 2005 पूछे हुए क्वेश्चन, रिजर्व फूड ऑफ प्लांट तो क्या बोलिएगा एल्गी के केस में, या कोई भी प्लांट का रिजर्व फूड, जो भी ग्रीन प्लांट है तो ऑलमोस्ट रिजर्व फूड क्या होता है, स्टार्च। अब इसका रिजर्व फूड क्या बोलिएगा, रिजर्व फूड फंजाई का तो क्या बोलिएगा, ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन, है ना, ग्लाइकोजेन। दिस ग्लाइकोजेन इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, क्या बोलिएगा, इसको बोला जाता है एज एनिमल स्टार्च। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च, कितना बार ये पूछे हुए, मोस्ट भी आएगा, क्लियर, ये भी आएगा। देखिए तो आप एल्गी के बारे में जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो आपको हम बता दिए हैं। अब थोड़ा सा एग्जांपल इसका बता देते हैं, इसका एग्जांपल जो मैन है, क्लोरेला, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, ये सब नाम है एल्गी का, है ना, एस्पायरोगायरा, एस्पायरोगायरा, है ना, ईटीसी, क्लियर। आइए फंजाई का जो कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, जैसे कि म्यूकर है, राइजोपस है, म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा है, न्यूरोस्पोरा है, है ना, ETC एगेरिकस है और भी है। तो अब आइए लाइकेन, तो लाइकेन के लिए फिर आगे बताते हैं आपको, लाइकेन, लाइकन हैव टू पार्टनर्स, इसके पास कितना पार्टनर रहता है, दो पार्टनर, लाइकेन
हैव टू पार्टनर, दो पार्टनर रहता है, टू पार्टनर, द वन इज एल्गल पार्टनर, एल्गल पार्टनर है ना, एल्गल पार्टनर, सेकेंड इज फंगल पार्टनर, फंगल पार्टनर। आइए, एल्गल पार्टनर मीन्स क्या, एल्गी, फंगल पार्टनर मीन्स क्या, फंजाई, क्लियर। तो इस दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा म्यूचुअल बेनिफिट का है ना, इसके और इसके बीच में एज रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट, इस म्यूचुअल बेनिफिट के जो रिलेशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस। क्या बोलिएगा, सिम्बायोसिस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, एल्गी और फंजाई के बीच में जो रिलेशनशिप है म्यूचुअल, म्यूचुअल मीन्स क्या होता है, ईच अदर, मतलब क्या, पारस्परिक। बेनिफिट मीन्स क्या होता है, लाभ, मतलब दोनों को एक दूसरे से लाभ है। तो अगर ऐसा रिलेशनशिप हो तो उसको क्या बोलिएगा, सिम्बायोसिस। मतलब एल्गी के बिना फंजाई का काम नहीं चलेगा और फंजाई के बिना एल्गी का काम नहीं चलेगा, उसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस, है ना। और एल्गल और फंगल पार्टनर ये दोनों जो है एक्ट एज, ये कैसा एक्ट करेगा, एक्ट एज, ये दोनों जो है एल्गल पार्टनर एक्ट एज स्लेव, स्लेव, ये कैसा एक्ट करेगा, स्लेव जैसा। और फंगल पार्टनर एक्ट एज मास्टर, ये कैसा एक्ट करेगा, मास्टर के जैसा, क्लियर। तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, कौन मास्टर कौन नौकर, है ना, मतलब कौन मालिक कौन नौकर, है ना। तो आप सभी जानते हैं रेडियो, रेडियो का एक स्टेशन है FM, क्लियर, FM मीन्स क्या, फंजाई मास्टर जैसा एक्ट करेगा। तो एक याद हो गया तो दूसरा तो ऑलरेडी याद है ना। तो ये ट्रिक है आपको याद रखने का, जो फंगल क्या, कैसा एक्ट करेगा, मास्टर जैसा, और एल्गी कैसा एक्ट करेगा, स्लेव जैसा। तो आप कहिएगा सर कैसे, कौन मास्टर जैसा एक्ट करेगा, कौन स्लेव जैसा एक्ट करेगा, ये कैसे, मतलब बताइए कैसे। तो हम अभी तो हालांकि इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको हम कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, आइए। लेकिन एक स्लेव जैसा और एक मास्टर जैसा जो एक्ट करेगा, तो इस दोनों का जो ऐसा रिलेशनशिप है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट, अगर इस तरह का जो रिलेशनशिप है तो कॉल्ड एज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो हेलोटिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हेलोटिज्म, क्या बोलिएगा, हेलोटिज्म। तो देखिए एम्स जो है सो ये नहीं पूछा सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, पूछा जो हेलोटिज्म किसको कहते हैं, है ना। तो हेलोटिज्म याद रखिएगा, जो अगर फंजाई मास्टर जैसा एक्ट करे और एल्गी स्लेव जैसा एक्ट करे तो ऐसा रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलेंगे, हेलोटिज्म। लेकिन आपको हम एक बार अच्छे से इस दोनों का रिलेशनशिप को डायग्राम से समझाते हैं, है ना, जब डिटेल पढ़ाएंगे तो और अच्छे से क्लियर करेंगे। लेकिन अभी भी आपके दिमाग में एक आइडिया डाल देते हैं, आखिर कैसे फंजाई मास्टर जैसा एक्ट करता है और कैसे एल्गी स्लेव जैसा एक्ट करता है। आइए देखिए डियर स्टूडेंट, हम एल्गी और फंजाई का रिलेशनशिप समझा रहे हैं। देखिए डायग्राम पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आइए। आइए
देखिए ये ऐसे है, जैसे कि ये मेरा हाथ है, इस पर यहाँ पर अगर एक ढक्कन रखें, दूसरा ढक्कन यहाँ रखें, तो देखिए ये मेरा जैसे ये हाथ है, तो हाथ को आप मान लीजिए, जैसे कि ये मान लीजिए हाथ है मेरा, है ना, तो ये फंजाई का बॉडी है ना, और इस पर यहाँ यहाँ पर जैसे ये पैचेज जो दिखा रहे हैं, ये एल्गी का पैचेज है, क्लियर। और ये नीचे देख रहे हैं, जो अगर इसको हम रूट माने, तो ये नीचे ये मेरा हाथ का जो ये वाला पोर्शन है, एल्बो वाला, ये ज़मीन के नीचे रहेगा, ये नीचे से मिनरल लेगा और ऊपर पहुंचाएगा। तो देखिए ये चारों बगल से जो है सो फंजाई है, खाली ऊपर से एल्गी का पैचेज रहता है ना। तो आइए, ठीक उसी तरह ये दिख रहा है। तो फंजाई जो है, ये है आपका, हम फंजाई दिखाएं, ये है फंजाई है ना, फंगल बॉडी है। और ये जो इस तरह का पैचेज है ना, ये हम आपको दिखा रहे हैं एल्गल, एल्गल बॉडी है। आइए, तो फंजाई क्या देता है इसको, तो फंजाई चूंकि नीचे है, इसी का रूट है, तो ये इसको फंजाई प्रोवाइड्स एल्गी, फंजाई जो है एल्गी को क्या क्या देता है, फंजाई प्रोवाइड्स एल्गी, क्या क्या प्रोवाइड करेगा एल्गी को, तो सबसे पहले तो एंकरेज, चूंकि रूट इसी का रहता है, तो इसको एंकरेज मतलब सपोर्ट देता है ना, एंकरेज सपोर्ट, एंकरेज मतलब क्या, जो उसको होल्ड किए रहेगा, एंकरेज सपोर्ट देता है, मतलब फंजाई ही ना इसको रखे हुए है अपने ऊपर, तो एंकरेज सपोर्ट देता है। दूसरा बात, अगर मान लीजिए कोई इसको हार्म पहुंचाना चाहे इस प्लांट को, तो सबसे पहले किसको हार्म करेगा, तो इस फंजाई को ना, तो एक तरह से ये प्रोटेक्शन भी दिया फंजाई एल्गी को, क्लियर। साथ ही साथ क्या दिया है ना, तो रूट इसी का है, तो ये नीचे से वाटर प्लस मिनरल, वाटर दिया मिनरल दिया, तो ले गया, क्यों ले गया ये वाटर और मिनरल ऊपर क्यों दिया, तो चूंकि एल्गी के पास जो है क्या रहता है, एल्गी के पास क्लोरोफिल रहता है, क्या रहता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल रहता है, इसके कारण से ये इसका फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है ना, ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो एक्चुअली, और मान लीजिए यहाँ सनलाइट है, सन है, ये सन है मान लीजिए, तो लाइट तो डायरेक्ट इस पर पड़ेगा है ना, तो ये फोटोसिंथेसिस तो करेगा, और एक्चुअली यहाँ बाहर में एयर तो होगा ही होगा, एयर है, एयर में तो आप सभी जानते हैं जो CO2 रहता है, O2 रहता है, क्लियर, और अदर गैसेज भी रहता है, तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 को ट्रैप कर लेगा, और नीचे से वाटर तो जा ही रहा है, तो ये फोटोसिंथेसिस करके क्या बना लेगा, फूड बनाएगा, तो एल्गी अपने भी खाएगा, और साथ ही साथ किसको देगा, फंजाई को। तो हम लोगों के घर में नौकर भी तो यही करता है ना, मालिक उसको खाना बनाने का सामान ला कर देता है ना, और मतलब उसके रहने का जगह देता है, कहने का मतलब ये शेल्टर भी दिया एल्गी को, शेल्टर दिया, साथ ही साथ क्या दिया, ये वाटर प्लस मिनरल दिया है ना, किस चीज़ के लिए, तो फॉर प्रिपेयरिंग फूड, भोजन बनाने के लिए प्रिपेयरिंग फूड, इतना चीज जो है कौन दिया, फंजाई, किसको, एल्गी को, कौन कौन दिया, तो एंकरेज सपोर्ट दिया, प्रोटेक्शन दिया, शेल्टर दिया, वाटर और मिनरल दिया भोजन बनाने के लिए। तो फंजाई बोला एल्गी को, जो देखो हम तुमको वाटर भी देते हैं, मिनरल भी देते हैं, बदले में तुम भोजन बनाओ, फूड बनाओ, अपने भी खाओ और हमको भी खिलाओ। तो हम लोग भी इन जनरल घर में यही करते हैं, नौकर को जो है सो खाना बनाने वाला सामग्री ला कर देते हैं, वो खाना बना करके जो है खुद भी खाता है और मालिक को भी खिलाता है ना। तो इस तरह से जो है फंजाई एक्ट किया कैसा, मास्टर जैसा, फंजाई जो है प्रोटेक्शन भी दिया, बोले ही हैं जो अगर हम लोग अगर इस प्लांट को हानि पहुंचाना चाहे तो सबसे पहले फंजाई को पहुंचाएंगे, तो इस तरह से एल्गी बाद में मतलब इसको हार्म पहुंचेगा, तो प्रोटेक्शन भी दिया, रहने का जगह दिया, क्योंकि बोले ही हैं जो इस पर ये पैचेज जैसे रहता है,
साथ ही साथ इसको वाटर और मिनरल, अगर ये फंजाई वाटर और मिनरल नहीं देता इसको तो इसका काम चलता नहीं चलता, और अगर एलगी इसको फूड बनाकर नहीं देता तो ये भूखे मर जाता है ना। तो दोनों को एक दूसरे के बिना काम नहीं चलने वाला है, इसीलिए हम बोलते हैं जो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बनाता। और चूंकि ये एक फंजाई मास्टर है, मास्टर जैसा एक्ट किया और एलगी नौकर जैसा एक्ट किया, जो खाना इसका केवल काम क्या है, खाना बनाना, तो खाना बना करके ये खुद खाएगा और साथ ही साथ किसको खिलाएगा, फंजाई को। तो ये स्लेव जैसा हम इसको कह सकते हैं, सर्वेंट है ना, नौकर जैसा एक्ट किया। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस तरह के रिलेशनशिप को, एक सेकंड, हेलोटिज्म बोलेंगे। ये एलगल है, तो एलगल ये क्या करेगा, तो प्रिपेयर फूड, ये भोजन बनाएगा है ना, प्रिपेयर फूड, फूड बना करके भोजन बनाएगा, अब भोजन बना करके ये अपने भी खाएगा और फंजाई को भी खिलाएगा। तो इस तरह से आप देख लिए जो लाइकेन का क्या फंक्शन है ना, और मतलब लाइकेन बना इस पूरे बॉडी को एक साथ हम लोग लाइकेन बोलेंगे है ना। तो लाइकेन दो के कॉम्बिनेशन से बना है, एलगी और फंजाई है ना। अब आइए कुछ एग्जांपल्स है लाइकेन का जो कि आपको याद रखना है, एग्जांपल जैसे कि क्या, क्लीडोनिया, ये लाइकेन प्लांट का नाम है, उसनिया, उसनिया है ना, ग्रेफिस, ग्रेफिस, रोसेला, ये सब लाइकेन प्लांट का नाम है, ईटी से है ना। तो क्लीडोनिया है, उसनिया है, ग्रेफिस है, रोसेला है, ये सब इम्पोर्टेंट लाइकेन का एग्जांपल है। अब आपको अगर कई बार ये क्वेश्चन पूछता है जो लिटमस इज ऑब्टेंड फ्रॉम है ना, तो आप क्या बोलिएगा, लाइकेन से ही लिटमस को ऑब्टेंड किया जाता है। पूछेगा कौन सा लाइकेन, तो यही रोसेला जो है गिव क्या, लिटमस, लिटमस पेपर जो है गिव्स लिटमस पेपर, लिटमस LITMUS लिटमस पेपर है ना। और कई बार ये क्वेश्चन पूछता है इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन, तो वो भी कौन, लाइकेन, और साथ ही साथ एक मॉस भी है जो कि आपको हम आगे पढ़ाएंगे, ब्रायोफाइटा मॉस होता है। ये सब अगर ऐसा एरिया जहाँ पर एनवायरनमेंट में SO2 ज़्यादा है तो वहाँ ना तो लाइकेन ग्रो करेगा ना मॉस ग्रो करेगा। तो ये दो क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं जो कि पूछा हुआ, जब हम डिटेल पढ़ाएंगे इस सब को तो वहाँ तो ऑलरेडी कराएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। थैंक यू, अगर आपको लगे जो ये आपके लिए यूजफुल है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, थैंक्स। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.